दोस्तों आज मैं आपके लिए बस 2 मिनट में तैयार होने वाला बहुत ही टेस्टी रसम बनाने का तरीका लेके आई हूँ। सिर्फ पानी उबलने की देरी है, जैसे ही पानी उबल जाए आपका रसम बनके तैयार हो जाएगा। 2 मिनट में, परफेक्ट 2 मिनट में एकदम होटल स्टाइल रसम बनके तैयार हो जाएगा। दोस्तों बहुत ईजी रेसिपी है, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही बढ़िया बनने वाला है। इसके लिए हमें चाहिए 2 स्पून इंस्टेंट रेडी मिक्स। ये रेडी मिक्स के सिर्फ हमें पानी में घोलना है और उबलते हुए पानी में हमें को डाल देना है। देखिए बिल्कुल झटपट से हमारा रसम बनके तैयार हो जाएगा। इसके लिए हमने सबसे पहले 1/4 कप तुअर दाल ली है, 2 टेबलस्पून चना दाल, 1 चम्मच जीरा और 1 टेबलस्पून उड़द दाल और 1/4 कप काली मिर्च। इसके साथ हम लेंगे 4 सूखी लाल मिर्च, हैंडफुल करी लीव्स, 2 नींबू के साइज की इमली, 1/4 कप लहसुन और साथ में हम लेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर। इसके अलावा हमें चाहिए 1 चम्मच राई और 1 टेबलस्पून हींग। अब हम पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ले लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम राई दाना डाल देंगे। जैसे हमारी राई चटकेगी हम इसमें जीरा डाल देंगे। जीरे को अच्छे से फ्राई होने देंगे। इसके बाद सूखी लाल मिर्ची डाल देंगे। थोड़ी देर के लिए हम सूखी लाल मिर्चों को भी रोस्ट कर लेंगे, अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम एक एक करके दालें डालेंगे, तो चना दाल, फिर उड़द दाल और साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे तुअर दाल। अब इन दाल को हमें अच्छे से फ्राई करना है। दोस्तों आप चाहे तो दालों को ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें ऑयल में फ्राई करने से क्या है कि इसे हम ज़्यादा दिनों तक रख सकते हैं। जो हम हमारा जो इंस्टेंट मिक्सचर तैयार कर रहे हैं ये काफ़ी दिनों तक हम इसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं, इसलिए मैं इसको तेल में फ्राई कर रही हूँ। तो हल्का सा जो दाल है उसका रंग चेंज हो जाए, उसके बाद आप इसमें काली मिर्ची ऐड कर दें, करी लीव्स ऐड कर दें, साथ ही साथ हम इसमें लहसुन भी ऐड कर देंगे और अब इन्हें अच्छे से रोस्ट करेंगे। लहसुन अच्छे से फ्राई हो जाना चाहिए, आप उसी हिसाब से बिल्कुल चलाते रहिए और देखिए कि अच्छे से पक जाए। अब हम इसमें डाल देंगे हमारी जो हींग है, तो हींग को भी अच्छे से ऑयल में हम फ्राई कर लेंगे। हींग डालते ही इसकी खुशबू बहुत ही बढ़िया आने लगेगी। हींग अच्छे से फ्राई हो चुकी है, अब हमने जो 2 टमाटर लिए हैं उन्हें काट के डाल देंगे। साथ ही साथ जो नींबू के साइज़ के हमने इमली ली थी वो इमली भी इसमें डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमें टमाटर को अच्छे से पकाना है, कम से कम 5 से 10 मिनट का टाइम लग जाएगा। स्वाद के अनुसार आप इसमें नमक भी ऐड कर दें। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ दें। एक बार चला के देखिए अच्छे से सब जो टमाटर वगैरह है बढ़िया पक चुका है कि नहीं। देखिए टमाटर अच्छे से पक चुका है। अब इसे गैस को ऑफ कर दें और इसे ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद मिक्सर जार में डाल दें और उसका फाइन पेस्ट तैयार करें। दोस्तों आप चाहो तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हो ताकि हमें बिल्कुल फाइन पेस्ट इस तरह से मिल जाए। अब उसी पैन में हमने 1 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। इस ऑयल में हमें ये जो पेस्ट बना के तैयार किया है उसे फ्राई करना है। जैसा मैंने कहा ये हमें काफ़ी दिनों तक प्रिजर्व रखना है, तो इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम इसको ऑयल में अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि ये बिल्कुल बढ़िया एकदम से परफेक्ट काफ़ी दिनों तक रहने के लिए तैयार हो जाए। तो ये देखो आप धीरे धीरे इसमें क्या होगा कि ये ऑयल छोड़ने लगेगा। आप देख सकते हैं जो मिक्सचर है उसको देख के पता चल रहा है कि ऑयल छोड़ रहा है, मतलब कि ये पूरी तरह से पानी खत्म हो चुका है। इसमें जो भी हमने लिया वो खत्म हो चुका है। अब आप उसको ठंडा करके एयर टाइट जार में बंद करके रख दीजिए। दोस्तों आप इसे 15 दिन के लिए आराम से बाहर रख सकते हैं और 2 से 3 महीने के लिए अगर आप रेफ्रिजरेट करें तो 2 से 3 महीने आराम से रख सकते हैं। अब देखिए मैं बनाना बताती हूँ कितना ईजी है। पानी ले लीजिए 2 चम्मच, उसमें आप ये हमारा इंस्टेंट मिक्सचर डाल दीजिए, उसको अच्छे से मिक्स करें, बिल्कुल घोल तैयार कर लें और 2 ग्लास उबलता हुआ पानी ले लें। जैसे पानी उबलने लगेगा ये घोल उसमें डाल दें। बस इतना सा स्टेप हमें करना है। इसके बाद आप इसमें थोड़ा सा स्वाद के अनुसार, जैसे हमने पानी ऐड किया है तो थोड़ा सा ज़रूरत हो तो उसमें आप थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर दें, और अगर आपको थोड़ा ज़्यादा तीखा चाहिए तो थोड़ी काली मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। और धनिया के साथ आपका जो रसम है परफेक्ट बनके तैयार हो गया, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल।